शाहजहानपुर में उस समय हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया जब शाहजहानपुर जिले में एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका के साथ दूसरे धर्म के युवक ने कथित तौर पर दुष्कर्म कर उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद अब वो उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी युवक समेत 5 लोगों के खिलाफ गुरुवार देर रात दुराचार और विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार की माने तो उनका कहना है कि पीड़ित द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के हवाले से बताया कि कांठ थाना क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 28 वर्षीय अध्यापिका 4 मई को जब अपने घर जा रही थी तभी बरेंडा गांव के रहने वाले आरोपी आमिर ने उसे घर छोड़ने का प्रस्ताव दिया। आमिर उसी गांव का रहने वाला है जहां पीड़ित पढ़ाती है। रास्ते में आरोपी ने पीड़िता को नशीला द्रव्य सूंघा दिया जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी पीड़िता को अपने घर ले गया और वहां उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म कर घटना का वीडियो बना लिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी की माँ बहन भाई समेत 5 परिजन उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने और आमिर से शादी करने का दबाव बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली का प्रकरण है। एक प्रधान अध्यापिका के द्वारा आरोप लगाया गया था कि एक व्यक्ति जो उससे पहले से परिचित था उसने कुछ नशीली चीज पिला के जबरन रेप किया है और धर्म परिवर्तन करा के शादी करना चाहता है। इसका भी पंजीकृत किया गया था। इसमें सूचना की गई है, साथ संकलित किया जा रहा है। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है। उनके अन्य परिजनों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। इसके बारे में सूचना चल रही है। बहुत जल्दी इसमें निपटाई कार्रवाई की। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।